there are reports coming in that israel has now begun its highly anticipated retaliatory strikes against iran now iran aapko pata hai pehle hi 300 se zyada drone march chuka tha lekin chale koi bhi nahi the agar main aap samjhe least possible koi cheez expect kar raha tha na is the to ye hamla us din hua hai jab ayatulah birthday को ईरानी हमलों से गुजर पहुंचा तो अमेरिका जंग में शामिल होने पर मजबूर हो जाएगा इसका मतलब है कि पहले वाले तो हम उसको भी अमेरिका बीच में आए तो उसको भी इबरत का निशान बना देंगे और आग... वैसे तो खबरें ये भी आ रही हैं कि इसराइल ने उसकी न्यूक्लियर को निशाना बनाया वहां पर हिट किया एक तो मिलती है कि इसराइल ईरानी कार्रवाई से पहले ही यह मनसूबा बना चुका था कि अगर ईरान ने इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो इसराइल उसका जवाब जरूर देगा तो धमाके हो रहे हैं और जो इस वक्त चल रही है उसमें भी देखा जा सकता है कि जो धमाके हो रहे हैं तो वहां से आग भी निकल रही है शोले उठ रहे हैं ये कह रहा है कि वहां पर जजला आ गया कुछ मैं देख रही थी कि खबरें साथ साथ ये चलना शुरू हो गई कि ईरान में जजला भी आ गया और साथ ही ईरान ने यह भी कहा कि उसके अपने अंदर कुछ इस तरह का हुआ है जिसकी वजह से ये धमाके हुए

नमस्कार दोस्तों जय हिंद फाइनली इसराइल ने शुक्रवार को ईरान पे कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिया है कहा जा रहा है कि ईरान के परमाणु प्लांट पर भी मिसाइलें गिरी हैं ईरान के न्यूक्लियर साइट पर तीन मिसाइलों गिरने की खबर है इस बीच इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प आई ने अपने सभी सैन्य अड्डों को हाई अलर्ट पर कर दिया है एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये हमला शुक्रवार को हुआ है ईरान के इस फहान शहर एयरपोर्ट पर भी धमाके की आवाज़ सुनी गई है ये वही शहर है जहां पर न्यूक्लियर प्लांट है ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोग्राम भी इसी जगह पर चल रहा है इन धमाकों के बाद कई फ्लाइटों को डाइवर्ट कर दिया गया है ईरान ने इस हमले के बाद कई प्रांतों में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है इस हमले के बाद ही ईरान ने तेहरान, इस्फ़ान और सिराज जा रही सभी फ्लाइटों को सस्पेंड कर दिया है इसराइल के इस संभावित हमले के पहले ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने गुरुवार को चेतावनी दी थी उन्होंने कहा था कि अगर इसराइल काउंटर अटैक करता है तो ईरान तुरंत उसका मुंह जवाब देगा लेकिन इसराइल के अटैक के बाद पूरा ईरान खामोश है वही दूसरी तरफ पाकिस्तान सदमे में है पाकिस्तान को डर सता रहा है कि पाकिस्तान को फिर अमेरिका जंग का अड्डा ना बना दे क्या यही कारण तो नहीं कि आईएमएफ से पाकिस्तान को इतनी जल्दी रिलीफ पैकेज मिल गया और उसके बाद ही को दे दिया आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं जय हिंद इसराइल ने ईरान पे हमला कर दिया और मैं देख रहा था कि ईरान की जो फॉरन मिनिस्टर आमिर अब्दुल्ला uh, उन्होंने ये कहा कि अगर ईरान के ऊपर एक छोटा सा भी अटैक हुआ तो हम इमीडिएट रिस्पॉन्ड करेंगे एंड एट मैक्सिमम लेवल रिस्पॉन्ड करेंगे दिस इज व्हाट द दिन फॉर मिनिस्टर इज सिंह और आज सुबह ये जो है मिलिट्री uh, स्ट्राइक जो ईरान के अंदर हुई है ऑब्वियसली uh, एक चीज तो क्लियर है द रीजन इज गेटिंग मोर वॉलिटाइल ठीक है जी और पाकिस्तान की सरहद ईरान के साथ मौजूद है सो द मोर इट गेट वोलटाइल हमारे लिए ये मसाइल पैदा हो सकते हैं जी और वो मसाइल इस तरह पैदा हो सकते हैं कि ट्रेड रुक सकती है बॉर्डर ट्रेड रुक सकती है आ, ये चीज़ें जो हैं एंड देन जब अफरा तफरी फैलती है देखें अब हुआ ये है कि भले ये कहा जा रहा है कि जो ईरान की जो एयर डिफेंस बैटरीज हैं वो कह रहे हैं कि वो काम भी नहीं की शायद और उन्होंने अपनी जो एयर डिफेंस बैटरीज लगाई थी आ, वो कहते हैं कि उन, उनको एक सस्पिशियस ऑब्जेक्ट ने हिट किया है आ, दिस इज द दरानियन मीडिया इस अमेरिका के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि हमला हो गया हमला हो गया अब ईरान जो है वो उसको जारी बात है आ, बता रहा है इस्फहान एक इलाक़ा है ईरान का आ, और कहा जा रहा है कि ये एक मिलिट्री फैक्ट्री है जो कि ईरानियन आर्मी जिसफूहान में चलाती है वो 2023 जनवरी में भी अटैक आई थी उसमें कॉड कॉप्टर्स के हमले हुए थे आ, लेकिन उस वक्त भी कुछ जो छोटे ड्रोन से लेकर ईरान के वो नहीं कर सके फेल फेल हो गए थे Uh, और उस वक्त भी ईरान ने इज़राइल को ब्लेम किया था कि ये मुसाद नहीं काम किया बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है इंटरनेशनल सिस्टम द इंटरनेशनल पावर्स के नॉट प्ले अ रोल चाइनीज आर टू सेल्फिश ग्रेट पावर्स आर टू वन साइडेड कि अमन जो लाना है वो उस किसी के बस के काम नहीं है ईरान आपको पता है पहले ही तीन से ज्यादा ड्रोन मार चुका था लेकिन चले कोई भी नहीं थे ईरान में इस और कुछ और जगहों पर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं धमाके हो रहे हैं और जो फुटेजेस इस वक्त चल रही हैं उसमें भी देखा जा सकता है कि जो धमाके हो रहे हैं तो वहां से आग भी निकल रही है शोले उठ रहे हैं जिस तरीके से कोई मिसाइल या ड्रोन आकर गिरता है और जो एक फुटेज सामने आती है उस तरह की फुटेजेस इस वक्त वायरल हो रही हैं लेकिन क्योंकि उनकी कोई ऑथेंटिसिटी अभी तक इसलिए नहीं है कि ईरान ये कह रहा है कि वहां पर जजला आ गया है कुछ मैं देख रही थी कि खबरें साथ साथ ये जलना शुरू हो गई कि ईरान में जल्जला भी आ गया और साथ ही ईरान ने यह भी कहा कि उसके अपने अंदर कुछ इस तरह का हुआ है जिसकी वजह से ये धमाके हुए और वो कोई सिस्टम को कुछ ठीक कर रहे थे या ये धमाके हुए तो ये समझ से बाहर बात है कि एक ही वक्त में इसराइल के अटैक की खबर भी आती है और उसी वक्त में ईरान ये कहता है कि वहां पर उसके अंदर सिस्टम में ही कोई खराबी हुई है जिस वजह से यह धमाके हुए और उसी वक्त में जिला भी आ जाता है तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि दो तीन चीजें ऐसी हो लेकिन ऑब्वियसली कि ईरान जो है वो यही उसकी कोशिश होगी कि वो यही बताए कि उसके ऊपर हमला नहीं हुआ और अगर हमला हुआ भी क्योंकि साथ ही ये भी खबर आ रही है कि ईरान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल ने वहां पर कोई ड्रोन फेंके हैं या हमला किया है लेकिन ये लिमिटेड अटैक है और ईरान ने उसको इंटरसेप्ट करने में कामयाब हो गया है तो ये तमाम खबरें जो हैं कम अज कम ये तो रिपोर्ट सही साबित करती हैं कि कुछ हुआ है पहले तो, मैं आपको यह बताती हूं कि यह हमला उस दिन हुआ है जब आयतुल्ला खामनाई की आज बर्थडे है तो इसराइल ने की खामनाई की सालगिरह के दिन ईरान को टारगेट किया है नेतन याहू ने आयतुल्ला खामनाई की बर्थडे पर वहां पर उनकी तरफ से तो वो यही कहेंगे कि हमने उनकी बर्थडे पर यह गिफ्ट दिया है कि भाई इसराइल ये कहेगा कि भाई हमने इसराइल ने ईरान को आयतुल्ला खामनाई को ये बर्थडे का गिफ्ट है तो सालगिरा पर यानी जिस दिन आयतुल्ला खामनाई जो कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान और ईरान में उससे बड़ा कोई पर्सनालिटी नहीं है ईरान उसको जिस तरीके से उनको आयतुल्ला खामनाई को देखता है तो आयतुल्ला खामनाई की सालगिरह के दिन इसराइल की तरफ से यह हमला किया जाना ये बहुत मीनिंगफुल है एक तो ये बात